शादी का किरदार ऐसा होना चाहिए, अच्छा ऐसी खबर आनी चाहिए, वैसी खबर आनी चाहिए, तो ये है आइडियलिज्म। इसके लिए इस कुछ आप 5 मिनट के लिए अपने आप को इस आइडियलिज्म से अपने आप को निकालें, इस कैफियत से निकाल के सबसे पहले आप ये देखें कि आप रहते कहां। आप कंडक्ट की बात करें, रिस्पॉन्सिबल आप जर्नलिज्म की बात करें, तो आप अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आप हैं तो वहां पे फिर ये जो लफ्ज इस्तेमाल होता है एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म, वहां पे उसकी एक और तारीफ होती है। आप अफ्रीका के जंगलों में जाएंगे तो उधर एथिक्स कोई और चीज होती है। पाकिस्तान में आएंगे तो आप इसकी तारीफ और हो सकती है। अब सारी दुनिया कह रही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन चाइना में है। अब चाइना के अंदर जाके आप चाइना वालों से पूछेंगे तो कहते हैं कि नहीं, हमारी रियासत तो ठीक चल रही है, हमने ठीक फिल्टर्स लगाए हैं कि किसने कितनी बात करनी है, उनके अपने कवानीन है, उसके हिसाब से उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है, एथिक्स उन्होंने अपनी एथिक्स बताई है कि ये एथिक्स है। तो पाकिस्तान में आप जिस ग्रुप में रहते हैं, अब हम बेचारे साथियों को हमेशा यही कह रहे होते हैं कि आप गलत खबरें आप फैलाते हैं, आपने ये प्रोपेगेंडा किया है, वो प्रोपेगेंडा किया आप। तो भाई मेरी जैसी शक्ल है वैसी नजर आएगी ना, ये हकीकत है। और सिर्फ साफी ठीक तो नहीं हो सकते। अभी मैं इधर आ रहा था तो उससे पहले मेरे पास सिविल सर्विस एकेडमी के ऑफिसर आए थे मेरे पास, उनसे भी मैं यही गुफ्तगू कर रहा था। मजूमी एक कौम किधर जा रही है ये देखना है। आप कहां रहते हैं? आपका जो गवर्नेंस का इंडेक्स आया है उस इंडेक्स के तहत आप तो 132 नंबर पे दुनिया में, इफेक्टिव गवर्नेंस में आप 132 नंबर पे, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आप 133 नंबर पे, रूल ऑफ लॉ में आप 40 में से आप 130वें नंबर पे हैं। तो अब साफी क्या है, मतलब साफी आपको किधर किधर आपके छाया बयान करेगा। अभी आखिर में फिर हमने लिखा है कि पॉजिटिव प्रोजेक्शन ऑफ द कंट्री, मेरी पॉजिटिव प्रोजेक्शन कैसे होगी? मैं असेंबली का स्पीकर हूं, मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं लेजिस्लेशन में दिलचस्पी नहीं ले रहा हूं, मैं करप्शन कर रहा हूं, तो आप मेरी अच्छी प्रोजेक्शन आप क्यों करेंगे? आप ना करें, मैं अपनी इसलाह करूं ना, आप मेरी अच्छी जाली प्रोजेक्शन मेरी क्यों करते हैं? मैं बजाय उसके कि मैं अपनी इसलाह क्यों ना करूं। तो ये इंटर रिलेटेड चीजें हैं, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सिर्फ साथियों को ये कहना कि आपने प्रोजेक्शन ये करना है कि वो कैमेज बेहतर हो, तो ये काफी नहीं है। मैं एज अ पॉलिटिशियन मैं अपने आप को भरी समत नहीं करा देता। तो इसलिए अपने मुल्क के अंदर जिस तरह के हालात हैं तो इसी तरह की एक तस्वीर बनती है, उस तस्वीर को साफी दिखाते हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए।